Assalamualaikum, welcome to my channel Discover Yourself with Anna. उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ नॉलेज शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने रिसर्च करी थी थोड़ी, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम एक दुनिया का मुनफरद एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बता रही थी कि फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम एक दुनिया का मुनफरद एजुकेशन सिस्टम है, जिसको पूरी दुनिया में माना जाता है। फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को बहुत ज़्यादा बर्डनाइज नहीं किया जाता बिल्कुल भी, और सिर्फ बेसिक सब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है। उसके साथ साथ बच्चों की जनरल नॉलेज में बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है और स्किल्स सिखाए जाते हैं उनको। इसकी दूसरी बात यह है कि यहाँ पर 7 साल की उम्र में एडमिशन्स होते हैं, पाकिस्तान की तरह नहीं कि 2-2.5 साल का बच्चा हुआ और उसको स्कूल भेज दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि घर में रहकर बच्चा काफ़ी ज़्यादा सीखता है, नाना नानी दादा दादी के साथ टाइम स्पेंड करता है, उनसे बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखता है। और जैसे कि आप लोग को पता है कि पाकिस्तान में कोरोना क्राइसिस भी चल रहा है, तो हमें भी चाहिए कि हम फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा फॉलो करें और होम स्कूलिंग शुरू करें बच्चों की, घर में उनको अच्छी अच्छी सी स्टोरीज सुनाएं, ताकि जब वो दोबारा स्कूल जाएं तो उनकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका हो और वो कोरे कागज़ की तरह बिल्कुल भी ना हो, और उनको डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें अपने साथ, ऐसी एक्टिविटीज़ सर्च करें जिससे उनकी नॉलेज में भी इजाफा हो। इसके अलावा फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम की एक अहम बात यह भी है कि फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को लंच भी प्रोवाइड किया जाता है। उनके मुताबिक एक हेल्दी मील बच्चों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। एक रिसर्च के मुताबिक जो लंच बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है उसमें एक दूध का ग्लास शामिल होता है, एक आलू और कुछ वेजिटेबल्स, फिश या मीट शामिल होता है, एक बैलेंस डाइट होती है पूरी। इसके अलावा फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम में होमवर्क का कोई नाम नहीं होता, बच्चों को होमवर्क बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। 2016 तक बच्चों को होमवर्क दिया जाता था, लेकिन उसके बाद ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया है। फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम की एक और अहम बात है कि वो बच्चों को कोर्स भी फ्री प्रोवाइड करते हैं, और स्कूल वालों की तरफ से पूरा कोर्स मिलता है बच्चों को, पेरेंट्स के ऊपर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल। इसके अलावा वहाँ पर यूनिफॉर्म का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बच्चे बिल्कुल घर के ड्रेसेस में स्कूल जाते हैं, इवन पजामाज वगैरह भी वहाँ पर वो पहन सकते हैं। उनके मुताबिक बच्चे जितने कंफर्टेबल होते हैं उतना ज़्यादा सीखते हैं, वहाँ पर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश की जाती है। उसके अलावा उनका मानना ये भी है कि बच्चे बीम बैग्स पर बैठ कर ज़्यादा अच्छी लर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि डेस्क वगैरह में बच्चे बिल्कुल बन जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि बच्चे जितना रिलैक्स होंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। इसलिए फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम में आपको हर क्लास में ही बीन बैग्स नज़र आएंगी, और क्लासेस का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल होता है और बिल्कुल भी फॉर्मेलिटीज़ फॉलो नहीं की जाती। उनके मुताबिक बच्चे जंगल और खुले एटमॉस्फेयर में जितना ज़्यादा सीखते हैं, वो एक बंद और घुटी हुई जगह में नहीं सीख सकते। फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम में शुरू से ही बच्चों को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिखाया जाता है, और हर क्लास में ही टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा होता है। फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम की एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि वहाँ हर 45 मिनट्स की क्लास के बाद 15 मिनट्स का ब्रेक दिया जाता है। इसके अलावा फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो ये है कि वहाँ पर हर बच्चे को इक्वली ट्रीट किया जाता है, मतलब बच्चा जितना भी इंटेलिजेंट हो या कम इंटेलिजेंट हो, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, और वहाँ पर सेक्शंस नहीं बनाए जाते। और एक और मज़े की बात ये भी है कि फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम में स्कूल जाने के बाद पहले 6 साल तक कोई एग्ज़ाम्स नहीं देने पड़ते बच्चों को, और जो क्लास में टीचर होती हैं वो ख़ुद ही बच्चों की एवलूशन करती हैं, और मतलब जो बच्चा फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देता है वो 13 साल की उम्र में देता है, 7 साल में तो वो स्कूल जाता है और मज़ीद 6 साल तक उसको कोई एग्ज़ाम्स नहीं देने पड़ते।
फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम में टीचर्स भी हाईली क्वालिफाइड और हाईली पेड होते हैं। वहाँ पर टीचर्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है और डॉक्टर्स और लॉयर्स, और एक ही टीचर 6 साल तक एक ही क्लास को पढ़ाती है ताकि बच्चे जो हैं अच्छी तरह से उनके साथ अटैच हो जाएं और बार बार टीचर को चेंज नहीं किया जाता। स्कूल का जो टोटल ड्यूरेशन होता है वो 3 hours and 45 minutes होता है, मतलब 3 hours and 45 minutes के लिए बच्चे स्कूल जाते हैं सिर्फ और सिर्फ, और उसके बाद उनका ऑफ हो जाता है। और इन्हीं तमाम खसूसियात की वजह से फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम को दुनिया का बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम माना जाता है। इवन US भी फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम से बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी इस क्वारंटाइन टाइम से फ़ायदा उठाएं और होम स्कूलिंग स्टार्ट करें, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, अच्छी अच्छी सी उनको कहानियाँ सुनाएं, अच्छी अच्छी सी बातें सिखाएं, कुरान पाक पढ़ने को कहें क्योंकि रमज़ान भी शुरू हो रहे हैं, तो कुरान पाक तर्जुमे से पढ़वाएं उनसे और ख़ुद भी पढ़ें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।